56 इंच के सीने वाले का आवाज नहीं मुझे दिखा कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। 2024 का चुनावी एजेंडा है और अपनी कुर्सी बचाने की साख बचाने की फिर से पहल है कि वन नेशन वन इलेक्शन के झांसे में देश का युवा नौजवान और देश का 135 करोड़ आवाम हमारे चंगुल मुट्ठी में फिर से आ जाए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब देश के 135 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री नहीं है, ये अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री है। शाही पासवान परिवार पार्टी 50 साल के राजनीति में क्या किया? प्याज छिला, टमाटर काटा या आलू छिला। झूठी राजनीति करने वाले, गंदी राजनीति करने वाले जुमलेबाजों की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकना है 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप देख रहे कंटाप, आपके साथ मैं हूं आसफ सदके। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मांग की जा रही, तो दूसरी तरफ इसका विरोध भी किया जा रहा है। बिहार में बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार चिराग पासवान पर हमलावर भी रहते हैं। उनसे जानते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। राजकुमार जी, आपका आधा घंटा आपने स्वागत है। जी नमस्कार। जिस तरह से वन रैंक वन इलेक्शन की मांग की जा रही है, उस पर आपकी राय, आपका विचार क्या है, क्योंकि आप विरोध करते नजर। देखिए, सबसे पहले तो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 10 सालों के बाद, मतलब 10वें साल चुनाव का है और चुनाव के डर से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है, तो स्वागत योग्य है। लेकिन ये 56 इंच के सीने वाले का आवाज़ नहीं मुझे दिखा कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वो नहीं दिखा कि वन नेशन और वन हेल्थ होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए, वो नहीं दिखा कि वन नेशन वन रेट होना चाहिए, समझे। तो ये 2024 का चुनावी एजेंडा है और अपनी कुर्सी बचाने की साख बचाने की फिर से पहल है कि वन नेशन वन इलेक्शन के झांसे में देश का युवा नौजवान और देश का 135 करोड़ आवाम हमारे चंगुल मुट्ठी में फिर से आ जाए। आप इसका स्वागत करते हैं? हमने तो बोला भला होगा जनता का, कभी भला नहीं हो सकता जनता का। ये जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने जुमला दिया कि भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार देंगे, कब, कितने, प्रतिवर्ष, पहले कलम से, क्या हुआ मोदी साहब? नहीं मिला। बहुत सारे बाबा लोग भी घूम रहे थे, नरेंद्र मोदी साहब भी कहे, जो विदेश में सूज में भ्रष्टाचारियों के काला धन है उसको भी लाएंगे और 15-15 लाख रुपये देंगे, क्या हुआ? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब देश के 135 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री नहीं है, ये अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री हैं और उन जैसे लोगों के लिए जीते हैं, उन लोगों के लिए, मतलब यूं कहें कि सामंतवादियों के प्रधानमंत्री, सामंतवादियों के लिए ये झोला लेके चले हैं। महंगाई से तो राहत दे रहे हैं, 200 रुपये सस्ता कर दिया सिलेंडर। ये चुनावी लॉलीपॉप है, इस लॉलीपॉप में जो भी देश के जनता फंसेगी वो 24 के बाद 2000 रुपये का या 1500 का पार होगा गैस सिलेंडर। ये मैं लिख के देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, फिर आप 2024 के बाद जब गैस सिलेंडर का रेट बढ़ेगा 1500 के पार या 2000 के पार होंगे तो आप हमसे मिलिएगा आप जरूर। चिराग पासवान के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं काहे? आप नहीं बोलना चाहिए, क्यों बोलते हैं यार? हमारी प्रश्न व्यक्तिगत थोड़ी ना है, वो भी विचारधारा की लड़ाई है। चिराग पासवान अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं अपना राजनीति कर रहा हूँ। चिराग पासवान से कभी पूछते नहीं है कि चिराग जी आप नीतीश कुमार जी के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं, नहीं पूछते। अगर मान लिया चिराग भाई नीतीश कुमार से सवाल करते हैं तो वो अपने आप को अगर स्वघोषित राजनेता है, तथाकथित राजनेता है, जमुई सांसद हैं, उस हैसियत से अगर आप देश की बात करते हैं, देश की आवाम की बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री से जब सवाल कर सकते हैं आप, तो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी से सवाल क्यों नहीं कर सकते आप? आपकी विचारधारा की लड़ाई चिराग पासवान से है, नीतीश जी से नहीं है, तेजस्वी से नहीं है, राहुल गांधी से नहीं है, मोदी जी से है। साहब सुन लीजिए, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने जो सपना दिखाया था
और जो हनुमान ने, चिराग पासवान ने जमुई की आवाम को, जमुई के 22 लाख जनताओं को जो वायदा किया था, उस वायदा पे खड़ा नहीं उतरे हैं, इसलिए मैं विरोध करता हूँ। बिहार के जो 7% पासवान ने उनके पिताजी 50 सालों में नहीं दिया, इसलिए मैं विरोध करता हूँ। चिराग पासवान को 10 साल मौका मिला, अनुसूचित जाति जनजाति के सीट से वो सांसद हैं, तो किसके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, किसके उत्थान के लिए काम करें, किसके कल्याण के लिए काम करें? सामंतवादियों के लिए, कि बाबा साहब ने जो आरक्षित सीट बनाया है जिससे जीत के गए, वहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ना काम होना चाहिए? पासवानों की अनदेखी की गई भैया। पासवान जाति जो है ना, ये पूछिए चिराग जी से कि चिराग जी, पासवान जाति को महज 28 राज्यों में से महज 4 राज्य में ही आरक्षण क्यों है? आप उस जाति से आते हैं, और 24 राज्यों में क्यों नहीं है? दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, जम्मू में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, उत्तरांचल में नहीं है, असम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ कहाँ है? बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल। और क्या किया आप लोगों ने? शाही पासवान परिवार पार्टी 50 साल के राजनीति में क्या किया? प्याज छिला, टमाटर काटा या आलू छिला, उनसे पूछिए। अब पासवान के बड़े नेता बनकर क्यों बढ़ रहे, मानते हैं? देखिए, जो पासवानों के हित की बात करेगा वो पासवानों पे राज करेगा। मैं कहता हूं कि सदन में एक बिहार पुलिस दारू सर्च करता हुआ चला जाता है दुल्हन के कमरे तक, उसकी सवाल चिराग पासवान उठाते हैं लोकसभा, इतनी बड़ी लोकतंत्र की मंदिर पे, क्या वहाँ पे बात नहीं होना चाहिए पासवानों की समस्या के लिए, कि दुसाद रेजिमेंट बनाया जाए? आप मांग करते हैं? हम हमेशा मांग किया है पासवान रेजिमेंट, दुसाद रेजिमेंट की, तभी ये मांग उठी है। साहब, ये जो बाबा साहब आरक्षण ने दिया है 22.5%, उस आरक्षण को बढ़ा करके 35 से 40% करने की बात क्यों नहीं? जब मिले थे आरक्षण तो उस समय देश की कुल जनसंख्या थी महज 40 करोड़, आज ये 140 करोड़ है, तो हमारी आरक्षण बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, ऐसी की मांग। आज आपको बता रहा हूँ कि पासवान दलित समाज का बेटा लोग, 60% युवा नौजवान लोग घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, क्या क्या करके, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, बढ़िया मैनेजमेंट करके, और हमारे इंटर पास, मैट्रिक पास, ग्रेजुएट पास लड़का लोग, उसके लिए चिराग पासवान या चिराग पासवान के पप्पा ने क्या किया? ये नाराजगी है बिहार युवा सेना क्या कर रही है? बिहार में सुनिए, मैं छाती टोक के कहता हूँ, क्या छाती ठोक करके और ये ताल दे करके, समझे क्या, ताल दे करके, कि जब युवा बिहार सेना सत्ता में आएगी, ये दलित का बेटा, बिहार का बेटा जब बिहार के कुर्सी पे बैठेगा, तो एक भी गरीब, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा, दुसाद का बेटा एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा, और एक भी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहेगा, एक भी घर माटी टाटी का नहीं रहेगा, ये वचन देता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। अल्पसंख्यकों का क्या? इस देश का अल्पसंख्यक को भी मैं सलाम करता हूँ, उसको भी गले लगाता हूँ, उसकी जो भी समस्या है हमारे नेतृत्व में उसको निजात दिलाएंगे, और देश के दलित अल्पसंख्यक पे को जो आंख दिखाएगा, उसको जो डराएगा, राजकुमार पासवान कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी? जी हाँ, लोकसभा का। जी, किसके साथ खड़ी है, एनडीए के साथ या इंडिया के साथ? सुन लीजिए, अगर मुझे ये इंडिया के लोग, चाहे बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गले लगाते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर जो भी गठबंधन इंजीनियर राजकुमार पासवान को गले नहीं लगाएगा, उसको पासवानों का वोट नहीं मिलेगा, और ना जिस घर में संघ के गोद में बैठा हुआ एजेंट के रूप में चिराग पासवान है, उसको उसके कहने पे भी बिहार का पासवान वोट नहीं करेगा। जो हमारे समाज की समस्या को सुनेगा, जो हमारे मांगों को मानेगा, उसको राजकुमार पासवान के कहने पे उस गठबंधन को और उस पार्टी को वोट मिलेगा। इंडिया के साथ जा सकती है, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे? एनडीए के साथ कदापि नहीं जाऊंगा मैं।
खबर है कि ओवैसी के साथ बातचीत चल रही है आपकी। देखिए, ओवैसी साहब की उदारता है कि वो चाहते हैं कि देश में दलित मुस्लिम गठजोड़ हो। जिस तरह से देश की राजनीति में देश का मुसलमान ठगा गया है, देश का दलित भाई लोग ठगा गया है, तो अक्लियत के लोग और दलित के लोग अगर एकजुट हो रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं। तो इसलिए साथ चलेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ में मिलकर के सरकार बनाएंगे। ये जो है ना, झूठी राजनीति करने वाले, गंदी राजनीति करने वाले जुमलेबाजों की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकना है 2024 के लोकसभा चुनाव में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपका परिणाम मिले 2024 लोकसभा चुनाव में। तो ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कहना यह है कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और साफ तौर पर इनका यह भी कहना है कि NDA के साथ नहीं जाएंगे, अगर इंडिया वाले बुलाते हैं तो उनके साथ जाएंगे। देखने वाली बात यह है कि साल 2024 यानी लोकसभा का चुनाव जो है उसमें जो है क्या कुछ परिणाम निकल करके सामने आता है, कौन जीतता है कौन हारता है, ये देखना दिलचस्प होगा।